नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिफला के फायदे और नुकसान के बारे में। सेहत से ज्यादा अन्य चीजों पर ध्यान देने की वजह बीमारियों की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर समय रहते सेहत पर ध्यान दिया जाए तो बीमारियों से बचा जा सकता है। वहीं बीमारियों से बचने के लिए कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ काम आ सकती है, जिसमें से एक है त्रिफला चूर्ण। सालों से स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए त्रिफला चूर्ण के सेवन को फायदेमंद माना गया है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे त्रिफला क्या है, त्रिफला चूर्ण बनाने की विधि, त्रिफला चूर्ण की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, क्या है त्रिफला के फायदे, त्रिफला खाने का सही समय और सही तरीका क्या है, त्रिफला खाने के नुकसान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। त्रिफला चूर्ण क्या है? त्रिफला संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, त्रि मतलब तीन और फला मतलब फल, जिनके मिश्रण से त्रिफला चूर्ण बनता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं उन तीनों फलों के बारे में जिनके मिश्रण से त्रिफला चूर्ण बनता है। आंवला, संस्कृत में इसे अमृत फल या आमलकी से जाना जाता है। भारत में इसे कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। लोग इसे फल, जूस, अचार और चूर्ण के रूप में सेवन करते हैं। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसे पाचन शक्ति के लिए भी लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी एनीमिया के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकता है। यह दस्त में भी फायदेमंद माना जाता है। यह लीवर, हार्ट और लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद कर सकता है। बहेड़ा, बहेड़ा को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे विभीत की या विभीता के नाम से जाना जाता है। बहेड़ा में दर्द निवारक गुण होते हैं, डायरिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसको हेयर टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बुखार को कम करने और घाव को भरने में मदद कर सकता है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हरड़, हरड़ को संस्कृत में हरीतकी के नाम से जाना जाता है। यह अखरोट जैसा फल होता है। इसे तब तोड़ा जाता है जब यह पककर पीले रंग का हो जाता है। इसे आमतौर पर हर्रे भी कहा जाता है। ये पेट दर्द के लिए फायदेमंद माना जाता है। ये आंखों में होने वाली सूजन को भी कम कर सकता है। ये ब्लीडिंग गम यानी मसूड़ों में बहते खून को कम कर सकता है। इसमें घाव को भरने की क्षमता भी होती है। यह हमारे पाचन में सुधार कर सकता है। यह हमारे लीवर को स्वस्थ बनाए रखता है। इन तीनों फलों को अलग अलग रूप से विभिन्न शारीरिक समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं जब इन तीनों का मिश्रण त्रिफला के रूप में बनता है तो ये बहुत ही असरदार हो जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं त्रिफला चूर्ण बनाने की विधि। त्रिफला चूर्ण आसानी से बाजार में उपलब्ध है, लेकिन इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। ये तीनों फल खरीदने से पहले ध्यान रखें कि त्रिफला चूर्ण में इनकी मात्रा हरड़, बहेड़ा और आंवला 1:2:4 के अनुपात में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हरड़ 20 ग्राम, बहेड़ा 40 ग्राम और आंवला 80 ग्राम। सबसे पहले सभी कच्ची सामग्रियों को एक एक करके मिक्सर में पीस कर बारीक पाउडर बना ले, फिर सभी को छान ले। अब इस चूर्ण को मिला ले, इस चूर्ण को एक जार में डाल ले, बस तैयार है त्रिफला चूर्ण। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं त्रिफला की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। त्रिफला चूर्ण की मात्रा, त्रिफला चूर्ण खाने के तभी फायदे हो सकते हैं जब इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए। वैसे त्रिफला चूर्ण की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि इसका सेवन किस स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जा रहा है। जैसे कि त्रिफला के औषधीय गुण की वजह से डायबिटीज के लिए 45 दिन तक 5 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से त्रिफला का सेवन किया जा सकता है। वहीं त्वचा संबंधी समस्या को कम करने के लिए खाने से पहले 2 बार 5-5 ग्राम त्रिफला का सेवन किया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण के फायदे, NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वजन घटाने से लेकर डायबिटीज जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण को कम करने में त्रिफला चूर्ण फायदेमंद साबित हो सकता है। बस ध्यान रखें कि किसी भी गंभीर रोग को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए त्रिफला पर निर्भर न रहे। पाचन के लिए फायदेमंद, गलत खानपान या ज्यादा बाहर का तेलीय खाना खाने से पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती है।
त्रिफला के औषधीय गुण पाचन शक्ति में सुधार कर पेट से संबंधित परेशानियों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। खाने को अच्छे से पचाने के साथ ही त्रिफला शरीर में खाने को अवशोषित करने में मदद कर सकता है। यह पेट संबंधित अन्य समस्याओं जैसे कब्ज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक कर सकता है। आँखों के लिए फायदेमंद। शरीर के अन्य अंगों की तरह आँखों का भी ध्यान रखना जरूरी है। त्रिफला आँखों के स्वास्थ्य के लिए टोनिक का काम कर सकता है। यह आँख के लेंस में ग्लूटाथियोन, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, उसके स्तर को कम कर सकता है। इसके अलावा त्रिफला मोतियाबिंद के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। त्रिफला चूर्ण के सेवन के साथ ही इससे आँख को भी धोया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण को रात भर पानी में भिगोकर इसके पानी को छानने के बाद आँखों को धोने में इस्तेमाल किया जाता है। ये आँखों की लालिमा और मोतियाबिंद दोनों के लिए फायदेमंद होता है। वजन कम करने के लिए फायदेमंद। कुछ लोग मोटापा कम करने के लिए डाइटिंग या जिम का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास असर नहीं पड़ता। त्रिफला चिकित्सीय एजेंट की तरह काम करता है। ये न सिर्फ वजन को कम करने में मदद कर सकता है, बल्कि शरीर का फैट भी कम कर सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक अधिक खाना खाने की वजह से हुए मोटापे पर 10 हफ्ते तक त्रिफला का सेवन करने से वजन और वसा दोनों में कमी दर्ज की गई है। जिम, व्यायाम या योग के साथ साथ अगर त्रिफला चूर्ण का सेवन किया जाए तो फर्क नजर आ सकता है। वजन कम करने के लिए त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 या 3 बार सेवन कर सकते हैं। कब्ज में फायदेमंद। कब्ज के कारण पेट में गैस व दर्द की समस्या होने लगती है। ऐसे में त्रिफला चूर्ण का सेवन कुछ हद तक इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद टैनिक और गैलिक एसिड कब्ज की समस्या को कम करने में लाभकारी माने जाते हैं। कब्ज की समस्या से बचने के लिए रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर सेवन किया जा सकता है। ध्यान रहे, इसे पीने के बाद किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। रक्तचाप और स्वस्थ हृदय के लिए फायदेमंद। त्रिफला चूर्ण ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लाभकारी है। एक रिसर्च में कहा गया है कि हाई बीपी को कम करने के लिए त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोगों से बचने में मदद कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को हृदय रोग के लिए मुख्य वजह माना जाता है। त्रिफला चूर्ण इन जोखिमों को कम करके हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाए। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए त्रिफला के चूर्ण का उपयोग किया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीपायरेटिक गुण होते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुण एक ओर जीवाणुओं से शरीर को बचाने में मदद करता है, तो वहीं दूसरी ओर एंटीपायरेटिक गुण बुखार से शरीर को बचाने में मदद करता है। इसके साथ ही त्रिफला में इम्यूनिटी मॉड्यूलेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की जरूरत के हिसाब से इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होते ही शरीर को कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। ऐसे में त्रिफला में मौजूद विभिन्न एक्टिव कंपाउंड जैसे गैलिक एसिड और एलेजिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार का काम कर सकते हैं। डायबिटीज में फायदेमंद। त्रिफला का चूर्ण डायबिटीज रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके नियमित सेवन से ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एंटी डायबिटिक और हाइपोग्लिसमिक प्रभाव होते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। घाव भरने में मदद करे। किसी को अगर हल्की चोट या घाव है तो उसको भरने में त्रिफला हेल्प कर सकता है। त्रिफला में वुड हीलिंग गुण होते हैं, जो घाव को भरने में मदद कर सकते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन में पेट्रोलियम जेली और तिल के तेल से भी अधिक प्रभावी त्रिफला को माना गया है। एक अन्य वैज्ञानिक शोध में भी इस बात का जिक्र है कि त्रिफला घाव को भरने में मदद कर सकता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए। त्रिफला में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के गुण पाए जाते हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में कहा गया है कि रक्त को ठीक तरह से प्रवाहित करने में त्रिफला मदद कर सकता है। हालांकि रिसर्च में इस बात की पुष्टि नहीं की है कि त्रिफला का कौन सा गुण इसमें मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से शरीर के हर हिस्से तक खून और ऑक्सीजन पहुंचता है। सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचने के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से शरीर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। डिटॉक्सिफिकेशन करने में फायदेमंद। शरीर में जमा टॉक्सिन
यानी विषैले तत्वों को बाहर निकालने को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। प्राचीन काल से ही त्रिफला का इस्तेमाल शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए किया जा रहा है। पर्यावरण, दूषित भोजन और कॉस्मेटिक की वजह से शरीर के अंदर पहुंचने वाले टॉक्सिन विभिन्न अंग जैसे किडनी, लंग्स और लीवर के कार्य को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से समय समय पर शरीर को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी होता है। इसमें त्रिफला चूर्ण मदद कर सकता है। जोड़ों के दर्द या गठिया में फायदेमंद। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां कमजोर होने लगती है। कई लोगों को जोड़ों के दर्द की शिकायत होने लगती है। आगे चलकर यह गठिया बीमारी का रूप ले सकता है। ऐसे में त्रिफला चूर्ण का सेवन लाभकारी हो सकता है। त्रिफला चूर्ण हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं जो गठिया के सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। गठिया के खतरे को कम करने के लिए एक चम्मच त्रिफला पाउडर को एक गिलास पानी में पी सकते हैं। मुंह की दुर्गंध से राहत दिलाए। शरीर के अन्य अंगों की तरह मुंह का ध्यान भी रखना जरूरी है। ओरल हेल्थ की तरफ ध्यान न देने से दांतों से जुड़ी परेशानी, मसूड़ों में दर्द और मुंह से बदबू आने जैसी समस्या हो सकती है। इस परेशानी से राहत पाने के लिए त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है। त्रिफला में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो मुंह में बैक्टीरिया को पनपने से रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण में एंटी कैरीज गतिविधि होती है जो दांतों को कैरीज से बचाने का काम कर सकता है। इसके अलावा मसूड़ों से निकलने वाले खून की समस्या को भी कम करने में इसे फायदेमंद माना जाता है। माउथवाश की तरह इसका इस्तेमाल करने से मसूड़ों में संक्रमण व दर्द को कम किया जा सकता है। तनाव कम करने में फायदेमंद। तनाव व चिंता जैसी मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए त्रिफला चूर्ण का उपयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। त्रिफला में एंटी स्ट्रेस प्रभाव पाए जाते हैं जो तनाव को कम करने का काम कर सकते हैं। तनाव को कम करके यह इसकी वजह से होने वाली चिंता से भी राहत दिलाने में मदद कर सकता है। सूजन कम करने में मदद करे। त्रिफला चूर्ण के फायदे में सूजन यानी इन्फ्लामेशन की समस्या को कम करना भी शामिल है। इन्फ्लामेशन के कारण गठिया, डायबिटीज, कैंसर और हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इससे बचाव के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन किया जा सकता है। दरअसल इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो इन्फ्लामेशन व सूजन की समस्या को कम कर सकता है। एक शोध के मुताबिक इसमें मौजूद मेथनॉल एक्सट्रैक्ट की वजह से सूजन व दर्द की समस्या को कम किया जा सकता है। कैंसर से बचाए। त्रिफला कैंसर से बचाने में मदद कर सकता है। दरअसल त्रिफला में एंटी कैंसर गुण होते हैं जो कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं। माउथवाश की तरह इस्तेमाल करने से तंबाकू की वजह से होने वाले कैंसर के सेल्स को मुंह में पनपने से रोक सकता है। एक शोध के अनुसार त्रिफला में एंटीनोप्लास्टिक एजेंट होते हैं। यह एंटीनोप्लास्टिक गुण ट्यूमर को बढ़ने से रोक सकता है। यह गुण ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन और लीवर सहित कई कैंसर सेल्स पर प्रभाव दिखा सकता है। ये माना जाता है कि यह हार्मोन असंतुलन को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। चक्कर या मोशन सिकनेस से राहत दिलाए। कभी कभी लोगों को चक्कर आने, बस व गाड़ी में उल्टी की समस्या होती है। उल्टी आने के साथ साथ सरदर्द की समस्या भी हो जाती है। इस स्थिति में त्रिफला का सेवन फायदेमंद हो सकता है। मोशन सिकनेस को कम करने में विटामिन सी एक अहम भूमिका निभाता है। त्रिफला में मौजूद आंवले में भरपूर विटामिन सी होता है। इसी वजह से मोशन सिकनेस से राहत पाने के लिए त्रिफला को फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा बहेड़े में मौजूद गैलिक व टैनिक एसिड उल्टी की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिफला चूर्ण के फायदे जानने के बाद इसको खाने की विधि जानना भी बहुत जरूरी है। नींबू के साथ त्रिफला। त्रिफला को पानी के साथ मिलाकर पी सकते हैं। अगर इसका स्वाद पसंद ना आए तो इसका रस बनाकर भी पी सकते हैं। त्रिफला रस के फायदे भी चूर्ण जैसे ही होते हैं। त्रिफला रस बनाने के लिए पानी में त्रिफला चूर्ण, थोड़ा शहद और नींबू रस मिला ले। ध्यान रहे इस सामग्री को हल्का उपयोग करें ताकि त्रिफला के स्वाद में थोड़ा बदलाव आए। इसे रात को सोने से पहले ले सकते हैं। त्रिफला चाय। त्रिफला चूर्ण का उपयोग चाय के रूप में भी कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण को पानी में उबालकर उसमें थोड़ा शहद मिला ले। सुबह और शाम इसका सेवन सामान्य चाय की तरह किया जा सकता है। त्रिफला कैप्सूल या टैबलेट। त्रिफला चूर्ण का स्वाद पसंद आने पर इसे टैबलेट या कैप्सूल के रूप में भी ले सकते हैं। बाजार में ये आसानी से उपलब्ध है।
चेहरे के लिए त्रिफला मास्क। त्रिफला चूर्ण का उपयोग फेस पैक की तरह किया जा सकता है। त्वचा को निखारने और बेदाग बनाने के लिए इसे फेस मास्क व फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं त्रिफला चूर्ण के नुकसान के बारे में। वैसे तो त्रिफला को सुरक्षित माना गया है और इसके साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर है, लेकिन इसके अधिक सेवन की वजह से त्रिफला चूर्ण के फायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। त्रिफला लीवर कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम की गतिविधि को बाधित कर सकता है। दरअसल ये एंजाइम दवाओं को पचाने के लिए आवश्यक होता है, डिप्रेशन की दवा के प्रभाव को कम कर सकता है। त्रिफला में मौजूद हरड़ को इसका जिम्मेदार माना जा सकता है। गर्भावस्था में त्रिफला में मौजूद हरड़ को सुरक्षित नहीं माना जाता। त्रिफला चूर्ण में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, ऐसे में लो शुगर के मरीजों में इसका अधिक सेवन शुगर के स्तर को कम कर सकता है। त्रिफला में मौजूद हरड़ की मात्रा अधिक होने पर डायरिया भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे त्रिफला खाने के कुछ नुकसान। उम्मीद करते हैं दोस्तों, हम आपको अपनी इस वीडियो में त्रिफला के फायदे और नुकसान और उसके उपयोग की विधि सही से समझा पाए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो को लेकर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।